नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज को स्वागत करुछि मु शक्ति। रमादेवी छात्री झराफुल मृत्यु घटनार आज होउछि 18तम दिन, किंतु आज पर्यंत तांका मृत्युर रहस्य उन्मोचन करि पारिला नाही पुलिस। किभली भावरे तांकर मृत्यु हेला, तांको विषक्रिया जोगु बा फूड पॉइजनिंग जोगु तांकर मृत्यु होइतिला कि ना तांको हत्या करा जाइतिला, एवं काहेकि तांका मृतदेह को नै कि जाजपुर रे फिंगी दिया जाइतिला, ये सबू प्रश्न आज पर्यंत रहस्य उन्मोचन करना जाजपुर पुलिस। एवं एक कहुला जे पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे तो किसी है, विसेरा रिपोर्ट जितेबले आसव विसेरा रिपोर्ट तांका मृत्युर रहस्य उन्मोचन करिवारे सहायक हेब, एवं मृत्युर प्रकृत कारण कौन विसेरा रिपोर्ट ताहा खोलीदेव। विसेरा रिपोर्ट जाजपुर पुलिस को हस्तगत हो सारी, किंतु ता सत्वे आज पर्यंत मृत्युर कारण संपर्क पुलिस पक्षर कौन सूचना दि जाए ना। तो ये बड़ प्रश्न उठू जे पुलिस आज पर्यंत कहीं ठोस कारण पर्यंत पहुंची पारना, जदिओ ए घटनार मुख्य अभियुक्त राकेश को बहु पूर्वर गिरफ्त कर सारी, ताकू घटनास्थल को मध्य नहीं पुलिस सेठी सीन रिक्रिएट कर। बड़ प्रश्न राकेशर जी सहयोगी जे कि से दिन स्कूटी चलाउथला जो थे कि झराफुल बसाई निला कि फिंगी दिगला मृतदेह को स्कूटी चलाउथवा से युवक कुआडे गले, कहीं पर्यंत आज पर्यंत पहुंची पारना पुलिस। एभली अनेक असमाहित प्रश्नर उत्तर जाजपुर पुलिस को दबार अच्छी। तो आमर बड़ प्रश्न विसेरा रिपोर्ट को लेकिन जे मृत्युर रहस्य खोल कि रिपोर्ट एवं कौन अच्छी से रिपोर्टे, इस संपर्क में अधिक अपडेट पाए जोड़ी होती आम प्रतिनिधि सतरूपा। सतरूपा आपण जाना चाहबू जे 18 दिन बीतीगला ए पर्यंत झराफुल मृत्यु रहस्य उन्मोचन हो पारना, तो वर्तमान सुधा पुलिस रा भूमिका एथरे कौन रही, पुलिस कौन सूचना दौर कि अच्छी अपडेट आपण पाखे। द्वितीय कथा भिसेरा रिपोर्ट जहाँ को अपेक्षा करा, रिपोर्ट जितेबाला मिल सारी जाजपुर पुलिस को कह जा रिपोर्ट आधार रे पुलिस कौन से निष्कर्ष रे वर्तमान सुधा पहुंचला कि निहाती भाव में शक्ति देखूँ। तो वर्तमान ये झराफुल हत्याकांड कथा कहतु बा झराफुल मृत्यु कथा कहतु, ता वर्तमान पर्यंत सस्पेन्स घेर ही रही, एवं जो रही भिसेरा रिपोर्ट वर्तमान पहुँची सारी। एक डाक्तरी टीम एवं फोरेंसिक टीम जो मैंने कुआखिया थाना को अलरेडी कुआखिया थाना को जाजपुर थाना हाथ में यही घटनार सब जो फोरेन्सिक जो भिसेरा रिपोर्ट अलरेडी दि जा सारी, गोटे दिग को धरी जहाँ वर्तमान सूचना आसूसी विशेष सूत्र अनुसार जहाँ खबर आम पाखे बसी एक टीम गठन करा जाए थी, जो टीम यहाँ गोटे दिग को धरी तदंत करे। वर्तमान पर्यंत जहाँ एक विशेष सूत्र आउ एक बड़ खबर जहाँ आम पाखक आसूसी कि जो झराफुल जिते बड़े राति झराफुल जो पोस्टमार्टम होता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट गोटे कथा आसूसी कि बडी आल्कोहल थी, तेज आल्कोहल बडी को आसला केमी आल्कोहल किसी पॉइजन मिसा जा कि आल्कोहल अन्य कौनसी एभली एक आपत्तिजनक मेडिसिन दिया जाइथिला कि जहाँफल बॉडी को बॉडी ताकू ग्रहण करिपारिला नहीं, जहाँफल मृत्यु घटीला। एभली अनेक प्रश्न वर्तमान धीरे धीरे आहुरी उंकी मारुची, दिन पर दिन जेतिकी गोडुची प्रश्न सेतिकी अधिक उंकी मारुची। साधारण लोक कथा कहतु समस्तक भितरे अनेक प्रश्न धीरे धीरे निहाती भाव में स्वाभाविक कथा प्रश्न उंकी मारुची। पुलिस कार्यानुष्ठान जहाँ रही ता एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती, कारण 15 दिन रु अधिक बीती गला पखापाखि 18 दिन हो गला। 18 दिन भितर पुलिस करुची कौन अनेक सीसीटीवी फुटेज ताक दिगला झराफुल सीन रिक्रिएसन है, राकेश को लेकिन विभिन्न जगह को गले राकेशर गाड़ी जबत है सबकि जिनस कला, किंतु तथापि पुलिस कहीं चुप रही कहीं पुलिस दिगहरा हो कि पुलिस को किए दिगहरा करूरी पार नहीं पुलिस। एवं सब बड़ कथा राकेश को सहयोगी जी
ताकु मध्य ताकु मध्य पुलिस धरी पारे नहीं तो अनेक धीरे धीरे जितेबाला दिन पर दिन गढ़ी चलुची प्रश्न उंकि मारुची सब बड़ कथा है जो विशेष सूत्र खबर मिली झरा फुलंकर जो बॉडी रही झरा फुलंकर बॉडी भितर अल्कोहल मिली तेबे अल्कोहल झरा फुल पूर्वर नौले कि बाध्य अल्कोहल जो दिन झरा फुलंकर मृत्यु होता से हीदिन अल्कोहल दिया कि अल्कोहल रे एभली कौन मिसा जाता जे झरा फुलंकर बॉडी ग्रहण कर पारा ना अल्कोहल रे कौन आपत्तिजनक मेडिसिन दिया जाइला कि जहाँ फल हार्ट चोक हो अनेक प्रश्न आसूँ पूर्व जहाँ आम समस्ते से सीसीटीवी फुटेज समस्ते देखी गणमाध्यम देखी और साधारण लोक देखी सीसीटीवी फुटेज जितेबले से खाऊप कौन मो बॉडी भल ना एभली अनेक जिनसना को आसूँ तेरे बाध्य कर जो कथा जो प्रश्न आपड़ उठाई एवं जो सूचना आसूची जे अल्कोहल शरीर मिली विभूति भूषण चौधरी वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित अच्छा किंतु पाखक जावा पूर्व मुझे चाहिए आम जाजपुर प्रतिनिधि परमेश्वर बेउरिया सहित जोड़ी होती परमेश्वर जाजपुर पुलिस भिसरा रिपोर्ट रे कौन रही से संपर्क में खुलासा कला कि से आधार भिसरा रिपोर्ट आधार कौन से निष्कर्ष वर्तमान सुधा पहुँचला कि जाजपुर पुलिस देखो तो भिसरा रिकॉर्ड रिपोर्ट तो वर्तमान पुलिस हाथ में लगी सारी वर्तमान सुधा भिसरा रिपोर्ट मध्य कौन रही वर्तमान पुलिस स्पष्ट करना सबुठ बड़ कथा जो कथा उठूँ झरा फुल झरा फुल बॉडी भितर किसी अल्कोहल मिली कि सबुठ बड़ कथा रही पुलिस यार निश्चित भाव में स्पष्टीकरण करवा दरकार कारण आज जो 12 तारीख रही आज हूँ 12 तारीख विचार विभाग जो हाजत में रखा जा राकेश स्वाई को ताज तार समाप्ति घटू तेज आज पर आम पाखे सूचना रही पुलिस जाजपुर एसपी बा जाजपुर पुलिस पाखर आज प्रेस मीट माध्यम रे जणा जाई पारे झरा फुल मृत्यु किपरी हैला कारण पुलिस पाखरे वर्तमान समस्त तथ्य लगी सारी शक्ति मुझे रखुची आम सहित जाजपुर वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित अच्छा से संपूर्ण घटना पर नजर रखिथिले सहित आम आलोचना करवा आम सहित अच्छा राजीव महांती आज्ञा देखिए ये जो झरा फुल रहस्य मृत्यु रहस्य रही वर्तमान पूरा जिले में गोटे प्रकार पूरा ओडिशार गोटे प्रकार चर्चार विषय रही कारण घटना को दीर्घ 16 दिन 17 दिन बीतीगला एपर्यंत मृत्यु रहस्य उन्मोचन हो पारे विसरा रिपोर्ट को पुलिस पाखे लगी सारे आपत देखुं कौन कह देखो मुँह तो झरा फुल केस तो समग्र राज्य निश्चित भाव में गोटे चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि तो झरा फुल घटना को नहीं जाजपुर पुलिस पक्षर जेपरी ढंग से इन्वेस्टिगेशन करता ये करेस्टिगेशन इज नाउ गोइंग एवं जहाँ तार फर्मालीटीज अच्छी जेहेतु यहाँ गोटे सस्पिशियस डेथ बा मिस्ट्रीयस डेथ गोटे झील को आते डेड बॉडी मिलूँ तो सांगे सांगे पुलिस तार पोस्टमार्टम कराई पोस्टमार्टम कर 15 दिन भितर जो आम ल रही भिसेरा जावा दरकार फरेनसिक को पठा जा भिसेरारे बहु गुरुत्वपूर्ण कथा जो भिसेरा को नौ जो कथा उठी मुझे स्पष्ट करदे चाहिए जे भिसेरा है इंटरनाल अर्गान जिनस जे इंटरनाल अर्गान भितर आप हार्ट लिभर किडनी यू पीस सब काटिके टिके टिके पीस काटिकी ताको फरेनसिक लैबोरेटरी की केमिकल एग्जामिनेशन पर पठा जाइए निश्चित भाव में ये मृत्युटा जो प्रथम शुणा जाता जहाँ मुझे तो जाने जहाँ शुणी जे मृत्युटा निश्चित गोटे प्रथम फेज रे कि डाक्टर मैंने कहते पार्टी फेण बाहर तो फेण बाहर मैंने ये गोटे डाउट अच्छे पॉइजनिंग केस जदि पॉइजनिंग केस हो तो जदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब डाक्टर ओपिनियन जदि स्पष्ट न आसवा तो से क्षेत्र में आम भिसेरार सहारा नहीं था पुलिस प्रशासन वम ल परमिट करे जेकोसी मिस्टीरियस डेथ बा सस्पेक्टेड डेथ रे तुरंत भिसेरा को पठा जाए तो भिसेरा रे निश्चित भाव में यार मुझे आशावादी भिसेरा रे जना पड़ जे यहाँ केमिकल किसी इरेगुलेटरी कथी कि मर्डर कर बहुत शीघ्र यार कथाई आज जो कथा कहते पुलिस भिसेरा रिपोर्ट पाई कि पाइनी तो तार स्कोप जना पड़ा आगामी दिन में जो आप राकेश स्वयं जदि के जमीन आवेदन जाजपुर कोर्ट में दाखल कराए तो कोर्ट तो ओबियसली तार सीडी मागिबो केस डेरी मागिबो केस डेरी मागिले पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिसेरा सब पाइबे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତର ଯେଉଁ 12 ତାରିଖ ରଖାଯାଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଘଟୁଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କି ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପୋଲିସ କାହିଁକି କରୁନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଯାହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଟା ଚାଲିଛି, ସେଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବଡ଼ କଥାଟା ହେଲା 12 ଦିନ କି ଆମେ ଦେଖିବାନି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଆସାମୀ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛି। ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯଦି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଆସାମୀଟିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କେସ୍ ଉପରେ, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ମାନେ ଭିସେରା ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଝରାଫୁଲ କେସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ସେଇ କଥା ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ କଥା ଆଇନଜୀବୀ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଧରା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ହେଲା ପରେ ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ। ଏବଂ ଏ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ପୋଲିସର ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ମୁଁ ଆସିବି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀତ ଚୌଧୁରୀ, 18 ଦିନ ଘଟଣାକୁ ବିତିଗଲାଣି, ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ଘଟଣାର ସିଏ ପୋଲିସର କବ୍ଜାରେ, ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇସାରିଛି ପୋଲିସ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ, ସବୁକିଛି ପୋଲିସର ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତଦନ୍ତ କଥା ଉପରକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ଭିସେରାର ମିନିଂଟା କ'ଣ। ଭିସେରା ମିନିଂ ହେଉଛି ଦ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଭିସ୍କସ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅର୍ଗାନ୍ସ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2014 ମସିହା 21 ଜାନୁଆରୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭିସେରା ଟେଷ୍ଟକୁ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ କରିଥିଲେ ଇନ୍ ସଟନ୍ ପଏଜନସ୍ କେସ୍ରେ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଯଦି କୋଲ୍ଡ ମର୍ଡର୍ ଡେଥ୍ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇଟାକୁ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଚେଷ୍ଟ, ଚେଷ୍ଟ ଭିତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯାଏ, ଆବ୍ଡୋମେନ୍ରୁ କିଛି ଯାଏ, ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଭିଟି ଭିତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯାଏ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ଜାଗାରୁ ଯାଏ, ଆପଣ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ କିଛି ଯାଏ। ସୋ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ନେଇକରି ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟେନ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସିମେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିସେରା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଏ ଭିସେରା ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ କିଛି ପଏଜନ୍ ଦିଆହେଇ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ପଏଜନ୍ ଦ୍ୱାରା, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆଲକୋହଲ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ତା ବଡ଼ିରେ ପଏଜନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିସେରା ଟେଷ୍ଟ ପରେ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରାଯିବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ବାଟମାରଣା ହେଇଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ଏ ଝିଅଟିର ମୃତଦେହକୁ ଧରି 2 ଜଣ ଲୋକ ସ୍କୁଟିରେ ବାହାରିଲେ, ବା ହଁ ସ୍କୁଟିରେ ବାହାରିଲେ, ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଳାଇଗଲେ କୁଆଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଯାଜପୁରର ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ତା ବଡ଼ିଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଗଲେ। ଏ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କି ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି 2 ଜଣ ଲୋକ ବସି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବସେଇ ନେଇ ପଳାଇଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଟକ ବାଟେ ଯାଇଥିବେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ପୋଲିସ ତାର ଯେଉଁ ଦଶା ଆଉ ଦିଶା ଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ନେଇନଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଖବର ଦେଲା ପରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଆଉ ଯିଏ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବା ବା ଆରେଷ୍ଟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ସୋ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପାରିଆ ପଣିଆ ଥିଲା ତା ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ପୋଲିସ ତାର ଦିଗହରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଆସୁଛି ଯେ ଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା କ'ଣ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଅଟୋସ୍ପାଇ ରିପୋର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟାୟାରଟାକୁ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ କୋର୍ଟରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଯେଉଁ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଏହାକୁ ପଏଜନ୍ ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ତ ରିମାଇଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ରିମାଇଣ୍ଡରେ ସେ କ'ଣ ମାନିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମାନେ ରେଜ୍ କରିଥିବେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମାନିଛି, ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ରିପୋର୍ଟକୁ କରୋବରେଟ୍ କରିକି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆକିସ୍କୁ ସେମାନେ ଧରିନାହାନ୍ତି ଆର ଅଗ୍ରଗତି ଏତେ ଜୋର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଏ ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁଠି ସେମାନେ ରାତିରେ ଭୋଜନ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ,
किंतु सबुठ इम्पोर्टेंट जिनस हूँ आर डेथ किभली भाव में है जदि से डेथटे पुलिस पहुँची पार ताहले तदंतर अग्रगति घटिबो किंतु किछ समय पर कहले किदिन त कहले जे राती रे सोइथवा समय रे तंटी चिपे मार देला सो तार रिपोर्ट ता मध्ये दियंतु से कोर्ट जानले सो ये सब दिनस गुडी का छंदी हे कि रहिची भिसरा रिपोर्ट इज वेरी इंपोर्टेंट भिसरा रिपोर्ट गुरुत्व बहु गुरुत्व रखुची आपण विस्तृत भाव में बुझौते जे भिसरा रिपोर्ट कौन एवं काहेकि एटा गुरुत्व रखुची भिसरा रिपोर्ट दुई दिन पूर्व मिल सारी जाजपुर पुलिस को एवं जो कथा प्राइम आक्यूज जी राकेश ताकू गिरफ कर सारा अनेक दिन रिमांड नहीं जाजपुर पुलिस एवं अनेक प्रमाण सीसीटीवी फुटेज टू आरंभ कर गेस्ट हाउस जो मैंने रही बयान सबकि गेस्ट हाउस सीसीटीवी फुटेज सबकि पुलिस हाथ में अच्छी किंतु ता सत्वे पुलिस आज पर्यंत कौन सी निष्कर्ष में पहुंची पारना एवं द्वितीय अभियुक्त जी ताकू बांधे सक्षम हो पारना जाजपुर पुलिस तो पुलिस कौ क्षयटी को खोजुची कौटी पुलिस तदंत बाट मिस हो पुलिस आज पर्यंत गोटे निष्कर्ष में पहुंची पारना आपन को लगुच सीता चौधरी देखु पुलिस जितेबले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी से संदेह व्यक्त करसेरा रिपोर्ट आवेदन करसेरा रिपोर्ट आप कथा अनुसार दुई दिन तेज मिल जाए कि वर्तमान सुधा पुलिस कनफर्म हो पारे जे को प्रकार डेथ हैला यदि यहीटा से कन्फर्म न हो पार ताल से रिच कर पर्टिकुलर पॉइंट उपरे जे किभली भाव में ये हत्याकांडर रहस्य कोट लुचि रही किंतु जिते बड़े आसामी की जे कि मेन आक्यूज ताकू जिते बड़े आप्रिहेंड कर आरेस्ट कर बयान रेकर्ड कर से रेकर्ड में से क्लारिफिकेसन अनुसार से क्लीयर करेंगे निश्चित भाव में जे जिते पचारे ये हत्या किभली भाव से निश्चित भाव बयान दे थ तेणु तो से जो बयान एवं ए भिसरा रिपोर्ट एवं ऑटोस्वाई रिपोर्ट ए एंटायरटा को सेमाने कोबरेट कर्बोरेट करिवे एवं सेठू सेमाने देखिवे ए एक्चुअली आर कथा अनुसार एटा हेची ना आउ किछि दिन से एतरे संपृक्त अछि किंतु मुख्य कथा जड़ी रही है कौन ना से द्वितीय अभियुक्त बा को अक्यूज्ड तार आर यही जो हत्याकांड रोल कौन थी खाली सीमित थिला जे से तार बॉडीटा को नवापई ताकू डाकिथिला कि से बॉडी खाली ता सहित से मध्य से जगार पूर्व उपस्थित थिला आपण देखिए जो जिनस गुड़िक से घर जबत करते डस्टबिन जबत करते तार कौन ये लिंक अच्छी ये हत्या सहित आउ गोटे कथा आसने हटात से स्कूटी को लेकर गोटे निर्जन जगार आसी भुवनेश्वर मध्य पार्किंग कर देते गोटे निर्जन जगार सो कथा पड़ी ये सब घटना घटीगला पुलिस निष्क्रियता स्पष्ट भाव में बारी हो पुलिस राजनीतिक चापरे काम करूटा संपूर्ण सत्य पुलिस यदि प्रोआक्टिव स्टेप नहीं था ये सीसीटीवी कैमरा भुवनेश्वर भर्ती आज्ञा से सीसीटीवी कैमरा को किए देखुची कौ कौ प्रकार कंट्रोल रूम वेरिफिकेशन करा से कंट्रोल रूम बार आर आंसर कहे कहीं जो भुवनेश्वर तीन जन बाहरी दुईज मझीरे गोटे मृतदेह को रखी सेत बाट चली पारे शहे किलोमीटर पलिगले सो ये सीसीटीवी कैमरा को जो मैंने अनुधान कर इंट्रोस्पेक्ट करने कथा जे एभलिया घटना भुवनेश्वर भाया घटू आउ गोटे कथा जे भुवनेश्वर हत्या अपराध संख्या बढ़ी चली जदि आप देखिए नेशनल क्राइम ब्यूरो जो रिपोर्ट दौर ओडा आमर क्राइम रे पूरा टॉप को जीव जो प्रकार परिस्थिति सृष्टि होता केन्द्र सरकार गोटे गाइडलाइंस करते जो प्रकार कोरोना कोरोना समय मानसिक स्थिति बिगड़ जाए समस्त आर आफ्टर कोरोना मध्य स्थिति कंटिन्यू रो सो जो मैंने नारी मानक प्रति निर्यातना संख्या जो बढ़ी जाए कंट्रोल करने गोटे स्वतंत्र गाइडलाइंस आनी ये गाइडलाइंस संपूर्ण भाव में पालन ये करना तो गाइडलाइन पालन कराऊना ये प्रश्न निश्चित रूप जो कथा आप उठाई जे एत बाट गले गोटे मृतदेह को धरिकी दुईज युवक स्कूटी में नहीं कि जाऊँच खोलाखोली भाव में कौटि भी अटका जाऊनि कहार भी सन्देह आसूनी पुलिस जो कि ट्राफिक पुलिस रही सीसीटीवी रही सीसीटीवी मॉनिटरिंग व्यवस्था उपर प्रश्न उठू मु परमेश्वर पाखु जावाक चाहिए परमेश्वर जो पुलिस से कथा खुलासा कला कि द्वितीय अभियुक्त पर्यंत कहीं पहुँची पारना एवं अठर दिन जिते बीती सारी सहित जो कथा आप कहते आज हूँ तो जाजपुर पुलिस आज खुलासा करें प्रेस मिट कर से संपर्क में किसी निर्दिष्ट भाव में अच्छी सूचना जे के खुलासा कर पुलिस पक्ष कि सूचना दि जाए कि देखंतु शक्ति जदि आम कहीपरिया जे
पुलिस प्रेसमिट मध्यम समस्त घटना किपर झरापुल मृत्यु घटला और ता मृत्युर रहस्य कौन रही उन्मोचन करने पुलिस प्रेसमिट मध्यम सूचना दब बोली जहाँ पाखे खबर रही कि सबुठ बड़ कथा हो पुलिस बर्तमान बड़ चैलेंज विषय है द्वितीय अभियुक्त को किपर भाव में शीघ्र धरव और गिरफ्त कर कारण जोबले राकेश स्वाई को जो दिन घटना घटला तार पर ऑलरेडी निजे आत्मसमर्पण कर सारी कि अन्य अभियुक्त रही धरवे पुलिस सक्षम हो पारे एपटे जदि आम देखिपर जी भिसरा रिपोर्ट आसी जी मुख्य अभियुक्त रही राकेश स्वाई तार बयान को पुलिस बारंबार जांच कर सूचना रही सबुठ बड़ कथा रोचे जे किपर भाव में घटनाटी घटला ता सर्वजन हवा आवश्यकता रही तेणु करें शक्ति आम से आईनजीवी सहित आलोचना करवा जी आम सहित अच्छा जे कहीं बर्तमान सुधा से घटनाटी को लोकलोचन को अणा जाऊनी अन्य अभियुक्त को कहीं पुलिस धरी पारुनी एवं भिसरा रिपोर्ट एवं जी जे अभियुक्त रही तार बयान मध्य तालमेल रोनी बोल कि से पुलिस बर्तमान सुधा देनी कि आम से संपर्क में कह आज देखिए जो घटनाटा घटी और पुलिस जितेबाला पचरा उचरा कर राकेश को से राकेश आज पर्यटन भिसरा रिपोर्ट को दुई दिन पूर्व आसला उन्मोचन कर देख मु प्रथम कही भिसेरा रिपोर्ट टाक तो सीटा सार्वजन करना तेणुक तार गोटे जहाँ अच्छी कोर्टर जहाँ रूल्स आउ रेगुलेशन अच्छी जदि आक्यूज तरफ जदि राकेश स्वाई तरफ आज पर्यंत गोटे जमिन दरखास्त करता मुझ भावुँ बोध हुए से ही समय मान्यवर जज तक कौन करते सीडी केस डेरी कलफर करते सो दैट आप केस डेरी कलफर हेले आपर पोस्टमर्टम रिपोर्ट होनुषंग भिसरा रिपोर्ट हो युवा सब बारंबार कोर्ट को आसी पारिता कोर्ट को थे पलि आसापर आप डॉक्यूमेंट हिसाब से पारे जेहेतु से स्कोपटा ना एपर्तंत राकेश स्वाई पक्ष कौन जमीन दरखास्त कोर्टे दि जाए तो कोर्ट बर्तमान मागार स्कोप आसनी जपर्यंत गोटे मर्डर केस्र कथा जेहतु 302 केस्र रेजिस्ट्रेसन हो सारी अलरेडी तो यार अवधि है चार्जसीट दबार समय है 120 दिन तो अन्य पटे जदि देखा तो जाजपुर पुलिस पाखे जो समय सीमा रही तार पूरी नहीं तेणुक्र के भी मागि ना कोर्ट एपर्त अर्डर करें कि तार केस डेटा मगा जाए एपर्तंत कोर्ट तरफ तरफ कौन वकिल वकिल हाजर हाजर होपिअर करके जमीन एपर्तंत मागि पारिना सेटा असुविधा होती आप जो कथा भिसेरा रिपोर्ट कहीं दौन पोस्टमर्टम रिपोर्ट कहीं कहीं क्या दब पुलिस क्या दब द्वितीय कथा रहा आम तो घटना बर्तन इनभेस्टिगेशन स्टेज में बर्तमान थी बर्तमान जो कथ कहते जे तार तालमाल रोच कि न रोच भिसरा रिपोर्ट सहित तार स्पष्ट चाहिए कार्यक्रम सारे समय कम अच्छी जे जदि पुलिस प्रेस मीट कर घटनार खुलासा कर गोटे कथा अनुमान करे पुलिस निष्कर्ष में पहुंची सारी केवल गणमाध्यम को जनईनी बा सर्वसाधारण एक जनईनी एक अनुमान कर कि पुलिस हत्या व मृत्युर रहस्य जाणी सारी भेद कर सारी जोटा कि आज जनवर अच्छी एक अनुमान करे कि देखो पुलिस वर्तमान गोटे कथा स्पष्ट करोसी भी इनफर्मेसन पुलिस पक्ष दिज्वर सर्वजनीन करा प्रेसमिट मध्यम कारण समस्त नजर रही घटनाटी किपर घटला कारण ये गोटी एभली संवेदनशील रहस्य मृत्यु घटना जे वर्तमान सुधा पुलिस प्रथम तार भेद पाइन कारण जितेबाला पीएम रिपोर्ट आसी से समय पीएम रिपोर्ट में कौन एक्सटर्नाल पार्ट्रे इंजुरी थी देखा जा ना केवल जहाँ आम खबर पाई पार्टी कौन ना कौन जगह फेण बाहर कि पुलिस डाक्तरी टीम स्पष्ट कर मृत्युर घटना तापर तार भिसरा टेस्ट पाई गला और भिसरा रिपोर्ट मगागला और भिसरा रिपोर्ट दुई दिन पर आसवा दुई दिन पूर्व आसी अन्य जी अभियुक्त रही बर्तमान सुधा पुलिस धरवे बर्तमान सुधा सक्षम है तो पुलिस मुख्य कथा रही जदि कौन घटना को सार्वजनीन तेरे हूं तो अन्य जी अभियुक्त रही पाखे पहुंची न जापे से पुलिस बर्तमान सुधा घटना को सार्वजनीन करनी दरकार केवल जे प्रकृत रे मृत्युर रहस्य कौन से मृत्यु करा मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु विषक्रिया जो मृत्यु ना तांकु हत्या करा जाई पुलिस सेटा स्पष्ट करूना यहाँ हूँ सबुठ बड़ प्रश्न वर्तमान समय एबे भी मिस्ट्री हो रही झरापुलंकर मृत्यु केमिति हला समस्ते जानिया उत्सुक समस्ते जानिया चाहूंट सारा राज्यवासी नजर रही कि पुलिस वर्तमान पर्यंत मुह खोल पुलिस चुप तो आशा करवा जाजपुर पुलिस जो कथा कहा जाए प्रेस मीट माध्यम खुलासा कर तो कौन खुलासा करुच्ची रही समस्त अपेक्षा बहुत बहुत धन्यवाद देवाई चाहिए श्री तो विभूति भूषण चौधरी वरिष्ठ आईनजीवी आम सहित थे सतरूपा सामंतराय प्रतिनिधि एवं
परमेश्वर बेउरिया आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होते संपर्क में अधिक सूचना दूसरे समय होगी ब्रेकिंग न्यूज को ये रखा नमस्कार।